गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे चैप्टर इज चैप्टर अलेवन फ्यूल फॉर व्हीकल्स फ्यूल इज़ एनी मटेरियल दैट कैन बी बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ़ हीट तो कह रहे हैं कि फ्यूल कोई भी मटेरियल ऐसा है जिसको हम जला सकते हैं बर्न मतलब जला सकते हैं और प्रोड्यूस मतलब जिससे पैदा कर सकें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हीट के फॉर्म में आल व्हीकल्स नीड एनर्जी फ्राम फूल फ्यूल टू मूव सारे व्हीकल जो हैं सबको एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है फ्यूल से चलने के लिए कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर ऑप्टेंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो कह रहे हैं कि जो कोल है पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेज जो हैं ये डेड से रिमेन्स जो है जो बचे हुए अवशेष रह जाते हैं मरे हुए जा पौधों के या जानवरों के उनके जो अवशेष रह जाते हैं दैट गॉट बरीड अंडर द अर्थ जो कि जमीन के अर्थ के नीचे दब गए थे मिलियंस ऑफ एगो बहुत साल पहले मिलियंस एगो हैं दीज आर कार्ड फॉसिल फ्यूल्स और जो ये दबने के बाद क्या बन जाते हैं फॉसिल्स बन जाते हैं इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं कोल इज द वर्स मोस्ट प्लेंटिफुल फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल कौन सा है कोल कोल इज यूज फॉर कुकिंग हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और कोल cool को यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए गर्मी प्राप्त करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पहले अब तो नहीं लेकिन पहले यूज़ किया जाता है इस स्टीम इंजनस रन ऑन कोल तो आपको पता है कि जो स्टीम इंजन है वो भी कोल पे रन करते हैं इट इज द फॉसिल फ्यूल दैट वाज मेड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ मिलियंस ऑफ इयर्स अगो तो ये फॉसिल फ्यूल मैंने बताया कि जमीन के नीचे सालों पहले करोड़ों साल पहले दबे हुए थे उसके बाद तो बना है तो कोल इज आल्सो बना देम पेट्रोलियम

तो आप पेट्रोल डीजल पता मिट्टी के तेल को बोलते है बोलते हैं डू यू नो में पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड तो जो इसको जो इसको है पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं काला सोना भी बोलते हैं क्योंकि बहुत महंगा होता है नेचुरल गैस नेचुरल गैस इज एन ऑर्डरलेस कलरलेस इनफ्लेमेबल गैस क्या नेचुरल गैस जो है ऑर्डरलेस मतलब होता है जिसकी कोई सुगंध ना हो कलरलेस मतलब जिसकी कोई जो है कलर ना हो और इनफ्लेमेबल जो ना नेचुरल गैस इज फाउंड अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स और ये जो पेट्रोलियम के साथ जो तेल के कुएं होते हैं उनमें मिलती है कम्प्रेस नेचुरल गैस सीएनजी का सीएनजी आपने पढ़ा होगा आजकल ऑटो भी सारे सीएनजी से पढ़ चलते हैं तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कम्प्रेस नेचुरल गैस कंप्रेस नेचुरल गैस इज यूज इन बसेज नाउ ए डेज तो आपको पता है आजकल बताया मैंने आपको जो बसेज होती हैं जो ऑटो होते हैं ये आजकल सी से चलते हैं इट इज़ एन इको फ्रेंडली एंड क्लीन फ्यूल और ये इको फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल मतलब इनसे पोल्यूशन नहीं होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एल पी जो आपको पता है घर में हम खाना पकाने के लिए जो सिलेंडर यूज करते हैं उनमें एल गैस भग जाती है उसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है रिफाइनिंग एंड इज यूज टू कुक फूड खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है इट इज स्टोर्ड इन गैस सिलेंडर इट बर्न्स विथ ए ब्लू फ्लेम और ये नीले लॉ के साथ चलता है तो आप कुछ फोटो दिखाई दे रही बस जो है CNG से चल रहे हैं व्हीकल्स सी एन से चलते हैं और जो सिलेंडर है जो खाना पकाने का काम आता है कास्ट ऑफ फ्यूल्स कास्ट ऑफ फ्यूल इज राइजिंग वेरी रेपिडली तो कह रहे हैं कि जो एक दा कीमत है इनकी ये तेजी से बढ़ती जा रही है द प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल केरोसिन एंड एल पी जी और रिवाइज सेवरल टाइम्स से ही है कह रहे हैं कि जो इनकी जो कीमतें हैं ये साल में कई बार रिवाइज की जाती हैं कई बार चेंज होती हैं कॉस्ट ऑफ बी आउट ऑफ रीच ऑफ ए कॉमन पीपल तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो इसकी कीमतें हैं कीप ऑन राइजिंग राइजिंग मतलब बढ़ रही हैं और इस रेट पे क्या होगा कि कम एक ऐसा दिन भी आएगा when fuel will be आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमन पीपल जो फ्यूल है आउट ऑफ रीच मतलब पहुंच से बाहर हो जाएगा कॉमन पीपल मतलब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा सी एन जी एंड डीजल कॉस्ट लेस देन पेट्रोल सी एन जी एंड डीजल की कास्ट जो है पेट्रोल से कम है आजकल तो इस टाइम पे डीजल के दाम जो है कम कर दी जो है ज्यादा है पेट्रोल से लेकिन आमतौर पर डीजल के दाम जो होते हैं पेट्रोल से कम होते हैं अल्टरनेट फ्यूल मटेरियल्स अदर देन फॉसिल फ्यूल दैट कैन बी यूज एज फ्यूल आर कार्ड ट फ्यूल तो अभी तक आपको फसल फ्यूल बताया गया जो कोल है नेचुरल गैसेज हैं पेट्रोलियम है डीजल है पेट्रोल अब इनके अलावा जो फ्यूल्स यूज किए जाते हैं वह हैं अल्टरनेट फ्यूल अल्टरनेट फ्यूल्स आर डराइव फ्राम रिसोर्स अर्दर दैन कन्वेंसल फ्यूल अब जो ये आपको कन्वेंसल फूल फ्यूल जो बताए इनके अलावा जो जहाँ से जिन रिसोर्स से जो है अल्टरनेट फ्यूल प्राप्त किए जाते हैं वो इन रिसोर्स से अलग होते हैं फॉसिल तो आप फ्यूल होते हैं जमीन के नीचे या समुद्र के नीचे करोड़ों साल दबने के बाद बनते हैं तो इस हिसाब से आप खुद ही समझ सकते हो कि फॉसिल फ्यूल जो है नॉन रिनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं क्योंकि एज दे टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू बी फॉर्म तो ये इनको करोड़ों साल चाहिए बनने के लिए ये नॉन रिन्यूएबल हैं दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड इन ए शॉर्ट टाइम इन्हें शॉर्ट टाइम मतलब छोटे से समय में इनको रिजनरेट नहीं किया जा सकता इनको करोड़ों साल लगते हैं द रेट एट विच दीज फॉसिल फ्यूल आर यूज विल बी शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इन फ्यूचर यानी जिस रेट से फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है डीजल पेट्रोल केरोसिन का हम यूज कर रहे हैं देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इन फ्यूचर तो भविष्य में इनकी कमी हो जाएगी The use of alternate fuels greatly reduce harmful exhaust emission. तो कह रहे हैं कि अल्टरनेट फ्यूल्स का यूज किया जाता है जो जो हार्मफुल एग्जास्ट इमिशन मतलब कि हार्मफुल होता है नुकसानदायक गैसों को के इमीशन मतलब उत्सर्जन को रोक सकें निकलने से रोक सकें अब इसमें दिखाया फोटो में हाइड्रोजन इज यूज एज ए फ्यूल इन स्पेस हाइड्रोजन जो हती गैस होती है इसको स्पेस इस में यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में फिर बायोडीज़ल इज़ यूज इन यूरोपियन कंट्रीज बायोडीज़ल जो है ये भी अल्टरनेट फ्यूल है जिसको यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एल्कोहल फ्यूल इज़ यूज ब्रा, इन ब्राज़ील टू रन कार्स एल्कोहल फ्यूल जो होता है वो ब्राज़ील में यूज़ किया जाता है कार चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज टू रन मेट्रो केबल कार्स एंड ट्रेन और मेट्रो और केबल कार तो आपने देखा होगा जहां मेट्रो चलती है वहाँ ऊपर से केबल वायर्स लगी हैं जिनके थ्रू जो है मेट्रो ट्रेन चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती हैं सो वी स्विच ओवर द अल्टरनेट फ्यूल्स तो इसलिए हमें जो अल्टरनेट फ्यूल्स को स्विच करना चाहिए मूव करना चाहिए जल बैटरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा तो कह रहे हैं कि ये जो है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन हो गया बायो फ्यूल्स हो गए एल्कोहल हो गया बायोडीजल हो गया बैटरी इलेक्ट्रिसिटी विंड सोलर एनर पावर एनर्जी शुड बी यूज एज दे आर ऑलवेज अवेलेबल एन आर नॉन प्लोटिंग कह रहे हैं कि हवा सोलर मतलब सूर्य की एनर्जी और वाटर मतलब पानी की एनर्जी इन्हें हम जो है यूज कर सकते हैं क्योंकि हमेशा अवेलेबल रहती हैं और ये नॉन पोल्यूटिंग है ठीक है अब समराइज तो कोई भी मटेरियल जो एनर्जी जिसको जलाने से एनर्जी मिले वो फ्यूल है एनर्जी चाहिए होती है फ्यूल्स से मूव करने के लिए कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स आपको बताया कि कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो फॉसिल फ्यूल्स हैं कास्ट ऑफ फ्यूल इज राइजिंग वेरी रेपिडली इनकी कीमतें दिन ब दिन बढ़नी जा रही हैं अदर देन फॉसिल दैट कैन बी एज फ्यूल्स है अल्टरनेट uh, फ्यूल्स और अल्टरनेट फ्यूल्स ही होते हैं जो फॉसिल फ्यूल की जगह यूज किए जाते हैं ठीक है अब नेक्स्ट में हम आपके इसको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कराएंगे टिल देन हैव अ गुड डे